प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ईश्वर से एक प्रार्थना है। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार सने के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका भारी। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंद्र शनि मंगल ग्रह की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में बेरोजगार भाग्यहीन बनाता है। जिसके लग्न में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग आलसी होते हैं, बेरोजगार होते हैं, भाग्यहीन होते हैं, भाग्य उदय नहीं होता है, हमेशा संघर्ष करते हैं। जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में हमेशा संघर्ष करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, कभी इनको सफलता प्राप्त नहीं होती है, भाग्य साथ नहीं देता है। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग शिक्षा विहीन हो जाते हैं, अधूरी शिक्षा रह जाती है, ऐसे लोग जीवन में बेरोजगार रहते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है, आर्थिक परेशानी में रहते हैं। जिसकी कुंडली में सातवें भाव में ये चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ये दौड़ धूप अधिक करते हैं, परिश्रम का लाभ नहीं होता है, कर्जदार हो जाते हैं, पारिवारिक जीवन भी इनका सुखदायी नहीं होता। जिसकी कुंडली में आठवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, सोच इनकी गंदी होती है, आलसी होती है। जिसके कुंडली में नौवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं, इनका जीवन अधूरा रह जाता है, ऐसे लोग जीवन में व्यापार में भी लॉस खाते हैं, नौकरी प्राप्त नहीं होती है, बेरोजगार रह जाते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में दौड़ धूप अधिक करते हैं, इनका संतान योग्य नहीं होते, ऐसे लोग जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति नहीं पाते हैं, हमेशा विवाह में रहते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसे सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने की इच्छा रखता है तो मेरे फ़ोन नंबर 9425308111 पर संपर्क करें। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद।